हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और इस लेक्चर से हम बात शुरू करने जा रहे हैं फेज डायग्राम की। मतलब फेज चेंजेस के दौरान जैसे फेज जब चेंज हो रही होगी सिस्टम की, तो इस बात की श्योरिटी है कि टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। हमने पहले भी चर्चा करी इस बात पे। लेकिन फेज में रहने के दौरान अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर टाइम का प्लॉट कैसा होगा, और भी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए काम शुरू करते हैं। जैसे मान लें आप कि ये है आइस, और किसी टेम्परेचर पे मान लो आइस का टेम्परेचर जो है वो जीरो से कम नहीं होगा। मान लो कि -50 डिग्री सेल्सियस पे है। एक आइस का क्यूब, आइस का गोला, जो भी, वो आपके पास -50 डिग्री सेल्सियस पे है और आप इसकी कंटीन्यूअस सेटिंग करते हैं कांस्टेंट रेट से। मतलब इसको हीटिंग प्रोवाइड करी जाती है, चारों तरफ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं अपन कांस्टेंट रेट से। वो मान लो सी जूल्स पर सेकंड। इस कांस्टेंट रेट से हीटिंग करें, मतलब इसे सी जूल्स मिल रही है हर सेकंड में। तो पहले क्या होगा, आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा -50 से जीरो तक। जीरो टेम्परेचर पहुंचने के बाद आइस कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी वाटर में, जिस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर पूरी वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। वही कहानी, वाटर का टेम्परेचर कहां तक बढ़ेगा, 100 तक। 100 पे पहुंचने के बाद वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और स्टीम कन्वर्जन स्टार्ट होगी। इस दौरान टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, और जब पूरी वाटर स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगी तो वापस से स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस कहानी से अपन वाकिफ है पहले से। तो इन सब का प्लॉट देखेंगे अपन कि टेम्परेचर टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा इनका, और भी कुछ सर्टेन पैरामीटर्स। तो शुरू करते हैं अपन इसका। अगर इसकी हीटिंग स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट रेट से, अगर मैं टेम्परेचर टाइम का प्लॉट बना, ध्यान देना जरा, फेज चेंज के दौरान हम इक्वेशन यूज करते हैं क्यू इज इक्वल टू एम एल, है ना। एल को क्या बोलते हैं अपन, लेटेंट हीट, इसकी चर्चा कर चुके हैं अपन। और जब फेज में टेम्परेचर बढ़े, सेम फेज में टेम्परेचर बढ़े, तो उसके लिए है एम एस डेल्टा टी। क्यू इज इक्वल टू एम एस फाइनल टेम्परेचर माइनस जो भी है इनिशियल टेम्परेचर। अगर डिफरेंशिएट करो देखो, ये इनिशियल तो चलो उस फेज का कांस्टेंट है, जिसे मान लो कि पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा, जीरो। और धीरे धीरे किसी भी टाइम पे टेम्परेचर जीरो से 10, 20, 40, 50 बढ़ता जाएगा वो। ये जो फाइनल टेम्परेचर टी है वो वेरिएबल है, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर वही कांस्टेंट है। अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, ध्यान से देखना जरा, डी क्यू अपॉन डी टी रेट ऑफ हीट सप्लाई है, डी क्यू अपॉन डी टी जो कि कितनी सी जूल्स पर सेकेंड इज इक्वल टू एम एस, यह आ गया डी कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी, और इसका डिफरेंशिएशन जीरो। टी आई इनिशियल टेम्परेचर, वो तो कांस्टेंट है, वाटर का हो, आइस का हो, स्टीम का हो, स्टीम का इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा, 100, उससे कम पे तो स्टीम मिलेगी नहीं। वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा, जीरो, और आइस जो लिया मैंने उसका टेम्परेचर कितना है, -50, है ना। तो सेम फेज में टेम्परेचर राइज हो रहा है तो इनिशियल टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो है। ये इक्वेशन अपन लगा सकते हैं आइस के लिए भी, वाटर के लिए भी, स्ट्रीम के लिए भी। सेम फेज में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, देखो लिख दिया मैंने वही। अब डी क्यू अपॉन डी टी रेट ऑफ हीट सप्लाई, तो जाहिर है ये कांस्टेंट है सी, ये दिया उन्होंने, ये आ गया एम एस डी कैपिटल टी अपॉन डी स्मॉल टी। तो टेम्प डी कैपिटल टी अपॉन डी स्मॉल टी की वैल्यू आ गई सी अपॉन एम एस। ध्यान देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होगा उस फेज में, यही हुआ ना, डी कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। या मैथ्स की भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं, ये चीज क्या है, स्लोप ऑफ टेम्परेचर टाइम ग्राफ बोल सकते हैं अपन। देखो सी क्या है, कांस्टेंट रेट ऑफ हीट सप्लाई, जिसे अपन सप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट है। एम क्या है, मास, जो भी आइस की मास ही होगी आपने, तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए चाहे स्टीम में, मास भी कांस्टेंट है। तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक हीट के। जिस फेज में स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी उस फेज में टेम्परेचर टाइम ग्राफ का स्लोप कम होगा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए आप इसका ग्राफ बना के देखें, अपन ध्यान से देखना जरा, वाई एक्सिस पर दिखा देते हैं टेम्परेचर,
एक्स एक्सिस पे टाइम, ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये नीचे कहीं यहां पे -50 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना, तो -50 डिग्री सेल्सियस से अगर आइस की हीटिंग स्टार्ट करेंगे अगर अपन, तो आइस का टेम्परेचर -50 से बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा, 0, है ना। ये बढ़ते हुए यहां से 0 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस। इस वाले में कौन सा स्टेट है, आइस है ना ये, तो ये है सॉलिड स्टेट, लिख दिया मैंने एस। अब 0 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने के बाद ही कंटेनर सेटिंग जारी रखेंगे अगर, तो आइस कन्वर्ट होगी वाटर में, और इस दौरान जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से हीटिंग स्टार्ट करेंगे, तो आइस कन्वर्ट होनी होगी, स्टार्ट होनी होगी वाटर में, कन्वर्ट हो रही होगी, और ये कन्वर्ट होते होते मान लो कि पूरी यहां पर सॉलिड आइस भी है प्लस लिक्विड वाटर भी है। क्लियर है पॉइंट, मतलब कि इतने टाइम इंटरवल तक यहां से यहां, मान लो ये टाइम इंटरवल है T1, इतने टाइम इंटरवल तक आइस कन्वर्ट होती रही वाटर में। जब पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट होगी और हीटिंग कंटिन्यूअसली आप जारी रखेंगे, तो वाटर का टेम्परेचर 0 से बढ़ना स्टार्ट होगा। क्लियर है पॉइंट, और ये टेम्परेचर बढ़ेगा कब तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहां से अब और हीटिंग स्टार्ट करेंगे, तो यहां से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, ये टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, और ये टेम्परेचर बढ़ेगा कब तक, ये टेम्परेचर बढ़ेगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक, ये टेम्परेचर बढ़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे क्या है, यहां पे सिर्फ लिक्विड है ना, जिसका मतलब वाटर है, वाटर का टेम्परेचर ये बढ़ता जा रहा है, और कब तक बढ़ेगा ये टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद भी अगर कंटेनर सेटिंग स्टार्ट करेंगे आप, जारी रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वाटर कन्वर्ट होनी स्टार्ट होगी स्टीम के अंदर, है ना। तो अगर फेज चेंज होगा तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, मतलब इसके बाद भी अगर हीटिंग स्टार्ट रखेंगे आप, तो टेम्परेचर रहेगा कॉन्स्टेंट और वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी। मान लो कि पूरे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने में, यहां पे क्या है, लिक्विड है, वाटर है प्लस स्टीम है प्लस गैस है, वाटर को पूरा स्टीम में कन्वर्ट होने में टाइम लगा T2, और इसके बाद पूरी वाटर स्ट्रीम में आपकी कन्वर्ट हो गई, पूरी वाटर स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गई, इसके बाद भी आप हीटिंग कंटेनर जारी रखेंगे तो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये टेम्परेचर बढ़ता रहेगा जब तक आप ये हीटिंग जारी रखेंगे। तो ये है फेज डायग्राम वाटर के लिए, आइस से वाटर, वाटर से स्टीम। इस फेज में क्या है, इस फेज में सिर्फ गैस है। अब ध्यान देना, यहां पे मान लो ये एंगल है θ1, जब इंक्रीज कर रही है, ये एंगल है θ2 और ये एंगल है θ3। तो आपसे पूछा जा सकता है कि θ1, θ2, θ3 में इनइक्वालिटी, मतलब कौन बड़ा है, कौन बराबर है, कौन छोटा है, इस तरह की बातें हो सकती है हमारे सामने। तो अब ये भी क्या पढ़ा हमने कि सेम फेज में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो टेम्परेचर टाइम का जो ग्राफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक हीट के, मतलब जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा उसकी टेम्परेचर टाइम ग्राफ की स्लोप कम होगी। देखो स्पेसिफिक हीट जो है आइस का वो है 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट वाटर का 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट स्टीम का वही जो आइस का 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर पॉइंट ये। अब जरा ध्यान देना, स्टीम और आइस इन दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम है ना, मतलब कि स्टीम वाले फेज में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे या आइस वाले फेज में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्लोप ऑफ टेम्परेचर सेम मिलेगा आपको, क्योंकि स्पेसिफिक हीट सेम है ना, सी तो कॉन्स्टेंट ही है, कोई हीटिंग का रेट है वो,
एम मास भी कांस्टेंट है, और आइस और स्ट्रीम की बात करूं अगर मैं, तो स्पेसिफिक हीट जो आइस की है वही स्पेसिफिक हीट स्ट्रीम की है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्ट्रीम। इसलिए टेम्परेचर टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा ये डिपेंडेंट स्पेसिफिक हीट पे, अगर स्पेसिफिक हीट सेम है तो ये ग्राफ का स्लोप भी सेम होगा। तो आइस का भी वही होना चाहिए और टेम्परेचर टाइम ग्राफ का जो स्लोप है स्ट्रीम के लिए भी वही होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना जरा, आइस वाले फेज में एंगल कितना है यहां पे, थीटा वन, मतलब स्लोप कितना हो गया टेन, स्लोप क्या होता है टेन थीटा, और आइस वाले फेज में कितना एंगल बन रहा है थीटा थ्री, आ गया टेन थीटा थ्री। मतलब लिख सकते हैं आप थीटा वन इज इक्वल टू थीटा थ्री। मतलब अगर क्वेश्चन कभी बनाना चाहे, अगर बना के दे दे कि ये एंगल 30 है तो बताओ ये एंगल कितना होगा, तो श्योरिटी से निकाल सकते हैं अपन, कोई कमाल की चीज नहीं है इसके अंदर। अब ध्यान देना जरा, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस या वॉटर, सॉरी स्टीम, ये लेस है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर से, है ना। वाटर की वन कैलोरी, स्ट्रीम या आइस की हाफ कैलोरी। तो जिसकी स्पेसिफिक, अभी क्या पढ़ा हमने कि टेम्परेचर टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक हीट के। मतलब जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा उसका टेम्परेचर टाइम ग्राफ का स्लोप कम। उल्टा भी कह सकते हो, जिसकी स्पेसिफिक हीट कम उसके टेम्परेचर टाइम ग्राफ का स्लोप ज्यादा। मतलब अगर, क्योंकि आइस की स्पेसिफिक हीट या स्ट्रीम की वाटर से कम है, इसलिए टेम्परेचर टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा आइस का या स्ट्रीम का वो ग्रेटर होगा टेम्परेचर टाइम ग्राफ के स्लोप से वाटर वाले केस में। तो आइस या स्ट्रीम थीटा वन बराबर थीटा थ्री निकाल ही चुके अपन, तो आइस या स्ट्रीम दोनों में से कोई भी ले लो तो ग्राफ का स्लोप रहेगा टेन थीटा वन, और वाटर वाले फेज में कितना होगा थीटा टू, तो यह आ गया टेन थीटा टू। मतलब यह आ गया थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू। ये देखें, इसका मतलब ये चीज आ गई सामने कि अगर आप टेम्परेचर टाइम ग्राफ का प्लॉट बनाओगे आइस वाटर स्ट्रीम के लिए, तो वाटर वाले फेज का जो एंगल है वो कम होगा स्ट्रीम और स्ट्रीम और आइस के कंपैरिजन में। तो आप देख रहे हैं प्लॉट से काफी चीजें मिल रही हैं आपको, टेम्परेचर टाइम का ग्राफ का स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पेसिफिक हीट के। ये छोटी सी बातें हैं लेकिन इस पर क्वेश्चन पुराने पेपर्स में पूछा है हमने, मैं डिस्कशन के बाद एक इलस्ट्रेशन भी उठाऊंगा इस पर। अब चलिए, तो सारे एंगल की जानकारी मिलेगी, कौन सा एंगल ज्यादा कौन सा एंगल कम। अब जरा बताओ टी वन टाइम इंटरवल है इस दौरान आइस कन्वर्ट हुई वाटर में, और टी टू टाइम इंटरवल है इस दौरान वाटर कन्वर्ट हुई स्ट्रीम में, तो टी वन टी टू में कौन सा टाइम ज्यादा है ये सोचिए। देखिए हीटिंग का रेट तो है कांस्टेंट, है ना, हीटिंग का रेट है सी जूल्स पर सेकेंड, उसी रेट से लगातार हीट इसे प्रोवाइड हो रही है। तो आइस से वाटर बनने में ज्यादा टाइम लगेगा या वाटर से स्ट्रीम बनने में ज्यादा टाइम, आप सोच सकते हैं। हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब आइस से वाटर बने, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना पड़ा हुआ है 80 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है 540 कैलोरी पर ग्राम। ध्यान देना जरा, मतलब आइस से वाटर में अगर 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट होना है तो 80 कैलोरी चाहिए, और 1 ग्राम वाटर को स्ट्रीम में कन्वर्ट होना है तो 540 कैलोरी चाहिए। तो वाटर से स्ट्रीम में कन्वर्ट होने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, आइस से वाटर कन्वर्ट होने में कंपैरेटिवली कम एनर्जी चाहिए, है ना। तो आप देखो कि हीटिंग का तो रेट कांस्टेंट है, अगर मान लो कि 1 ग्राम आइस ही लेके चलता मैं, अगर मैं 1 ग्राम आइस लेके चल रहा होता तो उस 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए आइस से वाटर के लिए बस 80 कैलोरी चाहिए, और उसी 1 ग्राम वाटर को स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी चाहिए। हीटिंग का रेट कांस्टेंट है तो वाटर से स्ट्रीम में जाने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, मतलब ज्यादा देर तक हीटिंग करनी पड़ेगी आपको, तो श्योरिटी है कि वाटर से स्ट्रीम ऑन कन्वर्ट होने का टाइम ज्यादा होगा। ले सकते हैं टी टू
इज ग्रेटर देन पी वन। चार ग्राफ दे दे डेटा के साथ सबको, दो सेकंड चार सेकंड जल्दी सेकंड ऐसा टाइम दिखा दे और बोले कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। जेई के पेपर्स में पुराने पेपर्स में कॉन्सेप्ट कहां से पूछ दे, सवाल कहां से बन जाए, इसकी कोई श्योरिटी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप जरा गौर करें तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमेशा टी टू टाइम जो टी वन से बड़ा होगा, क्योंकि वाटर से स्टीम कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए रिलेटिवली थोड़ी सी कम हीट चाहिए, 80 चाहिए वहां और 540 चाहिए वाटर से स्टीम में। इसलिए क्योंकि कॉन्स्टेंट रेट से हीट कर रहे हैं, इसलिए वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां ज्यादा हीट चाहिए। तो यह है फेज डायग्राम वाटर का। पेपर्स में क्वेश्चन वाटर की जगह कोई सी भी बॉडी ले सकते हैं, आपसे स्पेसिफिक हीट का कंपैरिजन पूछ सकते हैं, लेटेंट हीट का कंपैरिजन पूछ सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने पेपर्स में क्वेश्चन इस पे बने हैं, आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पॉज करें, इसे नोट करें और इस पे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूं। अब इस इलस्ट्रेशन की बात करते हैं अपन। ये किसी पुराने पेपर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जो चीजें हमने सीखी उसको अप्लाई करने का अच्छा मौका मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो अटेम्प्ट कर लें, वीडियो स्क्रीन पॉज करके उसके बाद की कहानी मैं कर रहा हूं। दो बॉडीज हैं ए और बी, अलग अलग बॉडीज हैं, क्वेश्चन में एकदम लिखना नहीं चाह रहा था मैं, वरना टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल सब लिखता। दो बॉडीज ए और बी है डिफरेंट मटेरियल के, मास एक का एम एक का टू एम, लेकिन दोनों को कॉन्स्टेंट रेट से हीट कर रहे हैं अपन, सी जूल्स पर सेकेंड। तो टेम्परेचर टाइम का जो प्लॉट बनेगा उनका वो ये रहा। तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि डिफरेंट स्टेट्स में सॉलिड लिक्विड गैस, आप उसमें स्पेसिफिक हीट को कंपेयर करें, कंपेयर स्पेसिफिक हीट इन डिफरेंट स्टेट्स और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन किसका कम ज्यादा है, इन दोनों में आप इसकी चर्चा करें। क्लियर है पॉइंट ये? तो चलिए काम शुरू करते हैं, कोई कमाल की बात तो है नहीं, और डिस्कस कर लें। देखो सेम फेज में क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, अभी डिस्कस किया था हमने। तो डी क्यू अपॉन डी टी, dq अपॉन dt क्या हो जाएगा, ms d कैपिटल t अपॉन d स्मॉल t, ti का डिफरेंशियल जीरो, अभी आपको बताया था कैसे। dq अपॉन dt रेट ऑफ, ये है आपका रेट ऑफ हीटिंग, रेट ऑफ हीटिंग कितनी सी जूल्स पर सेकेंड, c ms d कैपिटल t अपॉन d स्मॉल t। तो टेम्परेचर टाइम ग्राफ का स्लोप मिल गया आपको, ये आ गया C अपॉन ms। हालांकि मुझे जरूरत नहीं थी दोबारा से मुझे लिखने की, अभी तो डिस्कस किया हमने। अब इसी फॉर्मूले की मदद से आप दोनों के स्पेसिफिक हीट को कंपेयर कर सकते हैं। पहले सॉलिड स्टेट में बात करते हैं ना, पहले ये दोनों सॉलिड में है, फिर सॉलिड प्लस लिक्विड, फिर लिक्विड, लिक्विड प्लस गैस, फिर गैस, है ना। तो पहले सॉलिड स्टेट में, इन सॉलिड स्टेट टेम्परेचर टाइम ग्राफ का स्लोप निकालू मैं बॉडी ए के लिए, ध्यान से देखना जरा, टेम्परेचर टाइम ग्राफ का स्लोप अगर मैं बॉडी ए के लिए निकालू, बॉडी ए का प्लॉट कौन सा, ये ऊपर आ रहा है बॉडी ए का, तो सी रेट ऑफ हीटिंग तो सी है, मास 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 बॉडी ए की कितनी है एम, स्पेसिफिक हीट कितना है एस ए मान लेता हूं, वही तो देखना है कि ए का बड़ा है कि बी का। स्लोप निकाल सकते हैं अपन, ऐसे स्लोप कैसे निकालते हैं अपन, हाइट अपॉन बेस वही है ना, हाइट इसका ये रहा 50 डिग्री सेल्सियस और बेस इसकी रही 2, मतलब 50 बाई 2 इज इक्वल टू सी बाई एम एस ए, मतलब यहां से ए की स्पेसिफिक हीट आ गई कितना आ गया 225 नीचे, मतलब सी अपॉन 25 एम, ये है स्पेसिफिक हीट ए की। आप यही कहानी करते हैं अपन बी के लिए, नीचे वाला जो ग्राफ है ये है बी का। तो टेम्परेचर टाइम ग्राफ का स्लोप बी के लिए, तो सी अपॉन, सी तो कॉन्स्टेंट रेट रेटिंग की, एम एम मास, तो बी की मास कितनी है 2m, तो ये 2m और इनटू बी की स्पेसिफिक हीट। बी का अगर टेम्परेचर टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो ये तो आ गया 40, हाइट देख लो 40 ये, और बेस कितनी 3, तो ये आ गया 40 अपॉन 3
इज इक्वल टू सी अपॉन 2mSv। तो यहां से क्या मिल गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इज इक्वल टू, ये मिल गया यहां से 3c अपॉन 80m। ये आ गई बी की स्पेसिफिक हीट। अभी तो अपन निकाल सकते हैं डिवाइड करके, ये सी अपॉन 25m और ये 325 ज्यादा आएगा डिनोमिनेटर इसका, इसका डिनोमिनेटर 25 से ज्यादा आएगा ना, मतलब ये आ गई वैल्यू एस। ए दोनों को कंपेयर करें तो ऑन कंपेयरिंग आप कोई बंदा परेशान हो जाए कि सर ने ऐसे कैसे लिख दिया, गुना भाग करो भैया, एस ए ग्रेटर देन एस बी। सॉलिड स्टेट में स्पेसिफिक हीट ए की ज्यादा है, डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1/25 0.33 और 80/3 तो मतलब कि 0.3 से कुछ कमी आएगी भैया, उधर डिवाइड करके आप देख लो 3/80 बड़ा है कि 1/25, तो डिवाइड ही किया 10 मैंने यहां से, तो इस ए की स्पेसिफिक हीट ज्यादा आ गई बी से। सॉलिड स्टेट में ए की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है बी से। अब ध्यान दीजिए फेज चेंज, अब फेज चेंज हुआ, ए का भी फेज चेंज हो रहा है यहां से बी का भी फेज चेंज हो रहा है, तो फॉर फेज चेंज कहां से कहां, सॉलिड से लिक्विड वाले की बात कर रहा हूं मैं, मतलब यहां से कौन सी लेटेंट हीट मिलेगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रही बॉडी, तो उसके लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफाइन करते हैं अपन, है ना। तो आओ देख लो क्यू इज इक्वल टू एम एल, पहले बॉडी ए के लिए क्यू इज इक्वल टू एम एल ए, बॉडी ए के लिए एफ लिख देता हूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फेज कितने, कौन सी जूल्स पर सेकंड के रेट से अपन प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी, एक सेकंड में सी जूल्स। ए को सॉलिड से लिक्विड आने में कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक, ये यहां, यहां 2 सेकंड, यहां 5 सेकंड, 3 सेकंड का टाइम लगा, 2 से 5 सेकंड तक यहां ये सॉलिड था ना, ये सॉलिड प्लस लिक्विड, ये लिक्विड, ये लिक्विड प्लस गैस और ये पूरा गैस, वही कहानी आप, ये सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड प्लस गैस और ये पूरा गैस। तो सॉलिड से कंप्लीटली लिक्विड कन्वर्ट होने में यहां से यहां तक का ड्यूरेशन है, यहां ये 2 सेकंड और यहां 5 सेकंड, 3 सेकंड का टाइम लगा। 1 सेकंड में सी जूल्स दे रहे हैं तो 3 सेकंड में 3c मास m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये तो यहां से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ गई ए की 3c अपॉन m। यही कहानी b के लिए लिखें अगर q इज इक्वल टू m l। फेज चेंज के दौरान फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपने हीट के लिए, q इज इक्वल टू m l, वही लिखा है मैंने m, m मुझे अब लिखना, क्योंकि b की बात कर रहा हूं मैं, तो ध्यान देना q कितनी हीट लगेगी, तो बॉडी b की बात करें तो यहां से स्टेट चेंज होना स्टार्ट हुआ और यहां तक चला 3 से 6, मतलब 3 सेकंड का टाइम इसे भी लगा, तो 1 सेकंड में सी जूल्स तो 3 सेकंड में 3c। फेज चेंज करने के दौरान बी ने एब्सॉर्ब करी एनर्जी 3c, मास m, सिर्फ m नहीं लिख सकते, बी का मास है 2m इंटू लेटेंट हीट ऑफ बी, एफ लिख दिया फ्यूजन के लिए, मतलब कि बी की आ गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये आ गई 3c अपॉन 2m। और इन दोनों को कंपेयर कर लें, एक है 3c/m और एक है 3c/2m, कौन बड़ा है, दिख रहा है आपको, ए की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए इज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ बी, देख लो। तो एक जेई के पेपर्स में पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस भी पूछते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले, तो वहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चीज कितनी छोटी सी है लेकिन क्वेश्चंस कैसे बन के उभर के सामने आ रहे हैं हमारे सामने, क्लियर है पॉइंट ये। तो सॉलिड स्टेट में स्पेसिफिक हीट ज्यादा है ए का, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी ज्यादा है ए का। अब हम आते हैं गैस स्टेट में, यहां से लिक्विड स्टेट में, यहां से लिक्विड स्टेट स्टार्ट होती है, एक आपको भी देख लीजिए। आइए मैं जल्दी से यहां पे, आप चाहे स्क्रीन बहुत सारी सारा नोट कर लें, ये मुझे ये मिटाना पड़ेगा, मैं यहां से मिटाऊंगा भी सॉलिड स्टेट वाले से, इस वाले पार्ट से भी मिटाऊंगा।
अब लिक्विड स्टेट में जरा कहानी करते हैं, क्या ही देखिए। इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में स्लोप ऑफ टेम्परेचर टाइम ग्राफ ए के लिए इज इक्वल टू सी एम मास ऑफ ए, तो मास ऑफ ए कितनी है एम स्पेसिफिक हीट ए, एस ए मान लेता हूं। लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट की बात हो रही है ना, स्लोप ऑफ टेम्परेचर टाइम ग्राफ निकालो अगर एक का लिक्विड स्टेट में, एक का ग्राफ ऊपर वाला है, तो ये देखिए ये हाइट है ना ये, तो यहां से अगर इस तरफ यहां आ गए तो 50 और 180, ध्यान से देखना जरा, ये यहां से ऐसे आ गए तो 50 और 180 के बीच का डिफरेंस कितना है 130, तो 130 टाइम, तो यहां से यहां तक टाइम कितना लगा 5 और 8 के बीच का 3 सेकेंड इज इक्वल टू सी बाई एम एस ए, तो ए की स्पेसिफिक हीट आ गई यहां से 130 m अपॉन, माफी चाहूंगा ये आ गई वैल्यू यहां से ऐसे इधर आ गया, ऐसे इधर आ गया ना, तो आ गया 3c अपॉन 130 m, ये a के लिए। वैसे टेम्परेचर टाइम ग्राफ का स्लोप बिल्कुल हो गया अगर लिक्विड स्टेट में तो सी, ये सी बाई एम, पी का मास है 2m, तो ये लिखा मैंने 2m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ पी, ये कौन सा स्पेसिफिक हीट है कौन से स्टेट में, ये है लिक्विड स्टेट में, क्लियर है पॉइंट ये। अब ध्यान देना जरा बी का नीचे का प्लॉट है, तो लिक्विड स्टेट तो ये रही आपकी, तो हाइट ये कितनी हो गई इसकी स्लोप के लिए 140 और ये 40, ध्यान देना जरा ये यहां पे, तो 140 और 40 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 100, और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 6 से 9 3 इज इक्वल टू सी बाई 2m इंटू एस बी स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, तो यहां से बी की स्पेसिफिक हीट आ गई 3 इधर चला गया तो आ गया 3c इधर लेके आ गए अपॉन 200m। अब आप कंपेयर कर लीजिए ए और बी में, आप देख लो कि कौन सी बड़ा है, वो 3c न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर किसका बड़ा है इसका, मतलब ये छोटा है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, लिक्विड स्टेट में भी स्पेसिफिक हीट ए का ज्यादा है बी के तुलना से। अब फेज चेंज की बात करते हैं, आ जाओ अब बात करते हैं फेज चेंज, कौन सा फेज चेंज, लिक्विड टू गैस, क्लियर है पॉइंट ही। अब जरा ध्यान से देखना फेज चेंज की बात करें तो पहले ए के लिए बात करूं, अगर मैं ए के लिए बात करूं फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एम एल, लिक्विड से गैस, ये कितनी देर तक ये कन्वर्जन चला, ये टाइम है स्टार्ट हुआ 8 सेकंड पे और ये चलता रहा कब तक 4 सेकंड तक, सी जूल्स पर सेकंड के रेट से हीटिंग हो रही है एक सेकंड में सी जूल्स, और ए का कन्वर्जन चला है ये यहां 8 से 12 सेकंड 4 सेकंड तक, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम करी इसने 4c, ए का मास वही है, अब लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो रही तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ए है, तो ए के लिख दिया हमने ए बी बी ए क्या आप पढ़ता है तो आपके समझने के लिए ये, तो यहां से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ए का मिल गया 4c अपॉन एम। बी के लिए बात करें वही क्यू इज इक्वल टू एम एल, तो आप देखो कि बी का पे चेंज लिक्विड से गैस कितने टाइम तक हुआ, नीचे वाला ग्राफ बी का है ये यहां से यहां तक 9 से 15 और ये 15 6 सेकंड तक, मतलब ये आ गया एनर्जी ली होगी इसने 6c, एक सेकंड में सी जूल्स तो 6 सेकंड में 6c, एम मतलब मास, बी का मास कितना है 2m, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बी के लिए।
तो बी कहां आ गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कार्डिन तो 2, 3, 6, सी आ गया 3C अपॉन एम। देखें आप ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ए की और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बी की। अब आप कंपेयर करके देख लो, ऊपर 4C है यहां पे 3C है, मतलब कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ए का ज्यादा है बी की तुलना में। ये क्लियर है पॉइंट ही। अब ये नहीं कि रट लेना किसी कोई रट लेके ऊपर वाला जिसका ग्राफ रहता है उसका ही सब बड़ा रहता है, वो तो मैंने बनाया है ऐसा, चेंजेस कर सकता हूं, स्लोप कम ज्यादा कर सकता हूं, टाइम बड़ा कम कर सकता हूं, वो मेरी मर्जी है ना। अब गैसेस वाले स्टेट में इधर कुछ डेटा इधर यहां पे दिया नहीं, देते तो वो भी ऐसे ही कंपेयर कर लेते गैसेस स्टेट में भी। तो ये है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के जरिए फेजर डायग्राम से फेज चेंजेस के दौरान लगातार कंटिन्यूअस सेटिंग से फेज चेंजेस होंगी, फेज में टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर टाइम का जो प्लॉट है वो ऐसा होगा, और इस प्लॉट से काफी सारी जानकारियां निकल के आती हैं जो आपके सामने हाजिर है। तो अच्छे से आई होप कि मैंने जो चीजें आपको बताई होंगी वो आपको समझ में आई है। फिर भी किसी किस्म की परेशानी रह गई हो तो मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलता हूं मैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।